हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज हम बताने वाले हैं आपको वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की BLIS के सत्रीय कार्य असाइनमेंट के बारे में। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि आपका जो फर्स्ट पेज जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, जिसमें आपको आपको सबसे ऊपर जो है आपको वर्धमान महावीर का जो लोगो है वो आपको ले लेना है। उसके बाद लोगों का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, स्कॉलर नंबर, कार्यक्रम का कोड, पाठ्यक्रम का कोड, और उसके बाद आपका जो सत्र है, जिस सत्र में आपने एडमिशन लिया है वो सत्र आपको यहाँ पर लिखना है, विद्यार्थी का नाम लिखा जाना है और पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जमा करने की तिथि आपको यहाँ पे लिखनी होगी, विद्यार्थी का पूरा पता आपको यहाँ पे लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको वही लिखने हैं जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय लिखा है, क्योंकि उसी ही ईमेल आईडी या फिर मैसेज पर, मोबाइल पर आपके मैसेज मिलेगा, अध्ययन केंद्र का नाम और क्षेत्र केंद्र। तो अब हम बात करते हैं BLIS के असाइनमेंट के बारे में। तो BLIS का असाइनमेंट है, तो इसके लिए जो नियम है आपको देख सकते हैं कि बुक का नाम है आपका पुस्तकालय एवं समाज। तो इसमें आपको जो प्रत्येक पाठ्यक्रम के जो सभी सत्रीय कार्य आपको यहाँ पर करने होते हैं, जिन्हें पूरा करके आप निर्धारित तिथि से पहले अपने क्षेत्रीय केंद्र। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। केंद्र निदेशक कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक से अवश्य भिजवा दें। तो प्रत्येक सत्रीय कार्य जो है वो आपका 30 नंबर का होता है। सत्रीय कार्य स्वयं अपनी हैंडराइटिंग में करना होता है, और अगर कुछ गलतियों को छोड़कर जो सत्रीय कार्य जो आप लिखते हो उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसीलिए बिल्कुल साफ सुथरी राइटिंग में ही आपको ये वर्क करना होता है। तो पहली बार में इसके सर्वश्रेष्ठ उत्तर आपको लिखनी चाहिए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट में आप पेज वगैरह परचेज करके लाएं और थोड़ा सा गैप देते हुए, मतलब पेज को थोड़ा सा खुले लिखते हुए अपनी हैंड राइटिंग में, साफ सुथरी राइटिंग में आपको लिखें। विद्यार्थी प्रत्येक पेज पर आपको जो पेज नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस वीडियो में आपको यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो था, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन आपको करने होते हैं, अति लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न है, तो यहाँ पे सार्वजनिक पुस्तकालय की परिभाषा दीजिए, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। नेस्डो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, संघ शब्द के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, और यहाँ पे देख सकते हैं संघ सूची के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा पांचवा क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के तृतीय एवं पंचम सूत्र का नाम लिखिए, और तृतीय सूत्र और यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है। और जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय द्वारा दी जाने वाली कोई दो प्रमुख सेवाओं का परिगणन कीजिए। तो इस तरह से आपको इसके आंसर लिखने हैं। सेक्शन बी में आपको केवल दो, यहाँ पे जो आपके जो प्रश्न है इनमें से केवल आपको 4 प्रश्न करने होते हैं। सेक्शन 1 में सारे प्रश्न करने होंगे और यहाँ पे आपको 4 प्रश्न करने होंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सभी के सभी आपके 3 मार्क्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, पुस्तकालय विधान के कारकों का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से आपको पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखने, जितने अच्छे पॉइंट बनाएंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। शैक्षणिक पुस्तकालयों के उद्देश्य बताइए। तो इस तरह से आप इनके आंसर आप करें, और पॉइंट टू पॉइंट बनाते हुए आप करोगे तो जिससे कि आपके मार्क्स में अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे। अपनी हैंड राइटिंग में करना है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इन्फ्लिपनेट की प्रमुख सेवाओं का परिगणन कीजिए। सेक्शन सी में आपको केवल 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने होते हैं, और केवल 2 क्वेश्चनों में आप यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं, उनमें से कोई से भी 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जो कि अधिकतम 400 शब्दों का होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया है कि पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र के निहितार्थों की चर्चा करें। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो भी आप यहाँ पे देखें कि पुस्तकालय और सूचना सेवाओं को बढ़ावा देने में यूनेस्को की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो इसके आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये करने में सक्षम नहीं है तो आप ये सत्रीय कार्य पूरा करवाने के लिए हमारे जो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपके जो कंप्लीट असाइनमेंट है वो आपको बना के आपके क्षेत्र केंद्र पर भिजवा दिए जाएंगे, या आप फिजिकल रूप से भी आप हमारे यहाँ उपस्थित होकर ले सकते हैं। तो ओके दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें, लाइक करें, और इसी तरह के अन्य वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।